और फूफी जी बर्थडे बॉय पेस्ट्री खाओगे तो जैसी मीठी थोड़ी होनी है हमारे हैप्पी अंकल जो है 80 साल के जवान है छोड़ो यार हैप्पी अंकल हैप्पी बर्थडे कैसे हैं आप कैसी हूँ मधुबाला अच्छी हूँ हैप्पी अंकल द हैप्पी द 80 द बर्थडे मुबारक हो ओके ये तो दे पता है हैप्पी अंकल जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने पैसे से कार्ड खरीदा है हाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं मैं पूरे 50 रुपए का कार्ड खरीदा है अपने फेवरेट हैप्पी अंकल के लिए इस चीज के लिए आज से मेरा गला दबा के मारेगा क्या ओ अंकल मैं क्या कह रहा था बैठिए बैठिए ये जो आपका दीवान का किताब है ना कौन सा किताब अरे तू शायद जानता नहीं है हैप्पी अंकल का असली नाम ना दीवान हरप्रीत वालिया है इनके खानदान में जो बड़ा बेटा होता ना उसको ये दीवान का किताब मिलता है अब आपका तो कोई बेटा है नहीं तो मैं क्या सोच रहा था कि आपके बाद आप चाहें तो किसी को भी सेलेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं वैसे एक होनहार लायक और शरीफ उम्मीदवार आपके साथ ही बैठा है तभी मैं कहूँ कि पापा जी अपना महंगा मक्खन हैप्पी अंकल पे क्यों लगा रहे हैं दीवान बनने के लिए दीवाने हो रहे हैं चलिए चलिए केक आ गया है ए, केक भी शानदार केक वाली सुपर माया माया बहुत सुंदर केक है कौन सा दुकान से मंगवाया मंगवाया नहीं मम्मी जी मैंने खुद बनाया है माया सच बोल दे मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ इंटरनेट पे घंटों ट्यूशन लेके ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है अरे वाह ये इंटरनेट तो जादू है गधे को भी घोड़ा बना सकता है चलिए 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 जल्दी केक काटते हैं वरना केक भी बुरा मान जाएगा जसबीरे मैंने सोचा मेरे मरने के बाद तू ही दीवान बने तो अच्छा हैप्पी अंकल द ग्रेट द माइंड द सेम द सोच कमीने दीवान बनने की पार्टी तो देनी पड़ेगी ना निकाल मेरा पटियाला बना भी पटियाला अरे शर्म करिए दोपहर के 4 बज रहे मैं आपके लिए आंवले का जूस ले आता हूँ आपकी अंतड़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा अरे पागल हो गया है क्या जा वो मेरी वो काले कुत्ते वाली विस्की लेके आ मेरे फेवरेट हैप्पी अंकल के लिए पापा जी बुड्ढे की जान लेंगे क्या अबे मरने से पहले किसी बुड्ढे की इच्छा पूरी करो ना तो पुण्य प्राप्त होता है पापा जी वो सब बाद में पहले केक हाँ केक आइए आइए हैप्पी अंकल आइए पहले फूंक मारिए अंकल हैप्पी अंकल ये क्या हुआ मुझे डायबिटीज थोड़ी है जो मुझे नमकीन केक खिला रही हो नमकीन केक हाँ गॉड ये कैसे हो गया कोई बात नहीं माया ये इंटरनेट है ना ये शक्कर और नमक का फर्क नहीं सिखाता ना इसलिए माँ बेटा थोड़ा नमकीन है पर तू चिंता मत कर मैं ना सॉस के साथ खा लूँ हैप्पी अंकल आई एम वेरी सॉरी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया एक्चुअली माया की पुरानी आदत है अगर उससे पकौड़ा बनाने के लिए कहो तो वो गुलाब जामुन बना देती है
पता हमारे घर में कैसे पता चलता है कि खाना बन गया? जब माया के किचन से धुआं निकलता है। पर इसकी रोटी इतनी सख्त होती है कि कई बार काम वाली प्लेट समझ के धो देती है। हमारे घर पे तो मक्खियां भी खाने पे बैठने से डरती हैं, कहीं बदहजमी ना हो जाए। और आपको पता है कॉकरोच की मौत आती है ना तो वो इसी तरह फड़फड़ाता है। अबे साला बुढ़ा कमीना, शराबी कबाबी। पापा जी अपने मुंह से अपनी तारीफ। तेरे हैप्पी अंकल को कोस रहे हैं। क्यों? अबे साला बुढ़ाऊ, एक बोतल विलायती डकार गया, दूसरी बगल में दबा के निकल लिया, और बाद में पता चला कि जो लॉलीपॉप मुझको दिया वही लॉलीपॉप सबको दे रहा था। जलंधर वाले भाई साहब, कपूरतले वाले देवर जी, अबे सबको दीवान बनाने का सपना दिखा के सबकी विलायती चाट गया। वाह, हैप्पी अंकल तो बिल्कुल मिस्टर नटवरलाल निकले। मुझे तो पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, मैं बस इनका ना पपीते जैसा मुंह देखना चाहती थी। दीवान जसबीर वालिया, कितना वजन था नाम में। सोच रहा था कि एक बार ये खिताब मिल गया ना तो शेरवानी सिलवा के जेब में गुलाब लगा के पूरे ग्रेटर कैलाश में घूमूंगा। पर सारा गुलाब तो मिला नहीं, बल्कि पिछवाड़े में कांटा चुभ गया। सुमित अब सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। नहीं नहीं नहीं, वही रखे रहने दो। माया तुम्हारी कोई भी घिनौनी चाल नहीं चलने वाली अब। अबे चपड़ गंजू, घिनौनियत तो मेरे साथ हुई है, तू क्या बक रहा है? पापा जी बच के। अबे ये तो कल कहना चाहिए था ना, पापा जी बच के, अब क्या चिल्ला रहा? बस खुश। अच्छा तो ये बात है, छोटा मोटा बदला नहीं लोगी तुम? कोल्ड ड्रिंक क्या है? तुमने तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कमौलिका। मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, क्या पता कब किस पे कैसे वार हो जाए। हाँ पर मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ। हाँ आई एम वॉचिंग यू। डॉली क्या हो गया इसको? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना बचपन से इसका दिमाग थोड़ा सा नरम है। शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरे सांड घाव ठीक होने की खुशी मनाने के लिए आए हैं। मुझे मालूम है कि पिछले एक महीने में मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, बहुत। इसलिए उस सब के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। और चाहता हूँ कि आज आप सब खुल के एंजॉय करें। चल भाई ये सब तो हो गया, अब ये बता कि डिनर खिला रहे हैं कि नहीं, या फिर स्टार्टर में निपटा देगा सबको? हैं? अरे नहीं नहीं पापा जी, आज आपका जो जी चाहे वो ऑर्डर कीजिए। भाई मैं तो ये सांड की सजा है ना मुर्गियों को दूंगा, इसलिए एक अमृतसरी टिक्का, दो मुर्ग मसल्लम और एक रेड कलर का चाइनीज चिकन। अच्छा, चार बियर पहले ही गटक चुके हो, इस पेट में और मुर्गे फिट होंगे। अबे डॉली ये मत भूल कि ये जसबीर दी वालिया दी ग्रेट का पेट है, इसमें पूरा पोल्ट्री फॉर्म भी फिट हो सकता है। सॉरी पुचकी। कोई बात नहीं पुचकू। सही में ऐसे खुशी के मौके ना बाकी बहुत कम आते हैं। और ऐसे खुशी के मौके पे मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली है। थोड़ी जगह बनाना जरूरी है। तो मैं यूं गया और यूं आया। हा? अच्छा पर जल्दी आना, वादा करता हूँ पूछ की जल्द लौटूंगा। ओह माय गॉड, उस टेबल पे वही लड़की। कौन है वो लड़की माया? पीछे वाले टेबल में ये वही लड़की है जो सालों पहले भैया को मंडप से छोड़ के गई थी, रीमा। रीमा तो रजनीश की शादी इससे होने वाली थी। यही है वो रीमा। तो
मम्मी जी मुझ पर गिर रहा है। सॉरी। घस-घस के अंदर मत डालो। रजनीश ने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि शुभ अवसर पर ना अशुभ बातें नहीं करते। वैसे रीमा की कहानी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। प्लीज। कुछ साल पहले माया और मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, पापा जी की कोठी के ऊपरी मंजिल पर, याद है माया? याद है, बुलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती। Bum 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 b